हेलो दोस्तों, मेरा नाम जतिन है और आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक बार दोबारा से अपनी ट्रैवल सीरीज में। और आज पांचवा पार्ट अपलोड करने जा रहा हूँ। अगर आप मेरी ट्रैवल सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, और हम रेडी हो गए हैं आज दोबारा से निकलने के लिए आपको वियतनाम की कुछ अनजान गलियां घुमाने के लिए जो कि हमने खुद नहीं देखी। हम पहुंच चुके हैं बाली, वियतनाम में, फिलीपींस। हम चले हैं मकाओ, बैंकॉक। अगर आप ट्रैवल से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबाइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। तो सबसे पहले अभी हम जा रहे हैं, एक टेंपल है, उसका नाम मैं आपको बता दूंगा, नाम कुछ अटपटे से है, कायोडाई टेंपल। बीचेस यहाँ से दूर है, 150-150 किलोमीटर की दूरी पे। बीचेस का नाम आपको बता दूंगा, कौन कौन से बीच और कितनी दूरी पड़ते हैं, वो सब डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगा। वियतनाम के अंदर कुछ पॉपुलर 6 बीचेस हैं। सबसे पहले है वंग ताउ बीच, दूसरा बीच है हो तर्म बीच, तीसरे बीच हो कोच बीच, चौथे बीच लॉन्ग हाई बीच, पांचवा बीच है दाई दोंग बीच, और छठा कोंडाओ आइलैंड। बस यहाँ से निकलेंगे, बात कर रहा हूँ लोकल से, भैया हम बाहर रिसेप्शन पे वेट कर रहे हैं। हाय, तो ये हमारे बाइकर हैं, कैन यू होल्ड दिस। बस एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे, धूल मिट्टी नहीं है। पता नहीं आवाज़ आ रही नहीं होगी, आ रही है पता नहीं, क्योंकि बाइक पे आवाज़ और शोर। और दूसरा, वियतनाम के बारे में जितना सुना था कि यहाँ शॉपिंग वगैरह सस्ती है, पर वो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में जहाँ ये टेम्पल बता रहे हैं, जो लोकेशन थी वो बिल्कुल अपोजिट है एज़ कम्पेयर जो बाकी जगहें घूमने की हैं हमारे होटल से, उस साइड पड़ती थी, ये अपोजिट डायरेक्शन में पड़ रही है। तो काफ़ी सुनसान सा और इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से निकलते हुए जा रहे हैं, और मुझे लगता है अब अगर वहाँ जाने का मैं बनाऊँगा तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। पर गूगल ने जो मेरे साथ करा, मैं आपको आगे आपको पता चल ही जाएगा। तो गाइस देखो, गूगल का धोखा, पागल बना दिया गूगल ने हमारे को। फिर से लोकेशन के हिसाब से जो गूगल ने टेंपल डाला था, ऐसे गांव में ला के पटक दिया है जो कि वो है ही नहीं, वो मंदिर जिसकी वो बात कर रहे थे। तो ये देखिए, ये मंदिर बता रहा है गूगल। LPT हो गई है, अब दोबारा से बुक करूंगा, यहाँ से निकलेंगे, पागल बना दिया। वहाँ पे एक पॉपुलर होलसेल मार्केट, और दोपहर होने की वजह से क्या था कि वहाँ पे जो होलसेल मार्केट थी वो सुबह स्टार्ट होती थी और शाम के 3-4 बजे तक थी, और जिस टाइम पे मैं पहुँचा उस टाइम पे वो मार्केट समेटी जा रही थी। तो गाइस, ये मार्केट है, ये बड़ा बड़ा अक्षरों में नाम लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ये होलसेल मार्केट है, ये बाहर से ओपन पार्किंग। इफ आई बाय 2 शर्ट्स हाउ मच फेस्ट प्राइस, इनको तो समझना भी मुश्किल है भैया। ओके, इनके तो वर्डिंग ही चेंज हो गया है, 83 बोल के उसके बाद करिए, 2 लेनी है 200 में, ज़्यादा लेने पे रेट कम करते हैं, ये बढ़ा रहे हैं उल्टा। इस मार्केट में बाद में आना होगा, क्योंकि ना यहाँ समेटर मंडी चल रही है, ढंग से कोई बात नहीं कर रहा, एंटरटेन नहीं कर रहा, सारी चीज़ें ऐसी ही हैं बस, मतलब मज़ा नहीं आया। तो देखते हैं यहाँ से कोई बाहर निकल के, एक और सामने भी शॉप्स हैं वहाँ देखते हैं। मार्केट अच्छी है वियतनाम में भैया, गूगल कर लेना। सुबह मेरे साथ ये गुची कर चुका है, गुची क्या करनी थी, वो जो टेंपल का नाम बताया वो टेंपल का नाम डाला है, पहुँचा दिया किसी और टेंपल पे, और बाद में मैंने सर्च करा है तो वो टेंपल दिखा रहा है 70 किलोमीटर दूर। तो बेवजूल में हमारे पैसे भी लग गए, टाइम भी ख़राब हो गया, और सब थोड़ी चीज़ धक्के, वो भी बाइक पे बैठना, ट्रैवल करना बहुत ज़माना हो चुका है। फिर दोबारा वहाँ से बाइक बुक करी नई मार्केट के लिए, नई मार्केट में आए हैं, ये वो मार्केट है, और ये मार्केट का टाइम भी क्लोज होने का टाइम है, ऑलमोस्ट सब क्लोजिंग कर रही है।
सब बंद हो रहा है, सीमेंट रहे हैं यहाँ। ओह सबसे बढ़िया काम की चीज़ नज़र आ गई, पूछो क्या, KFC। भूख लगी थी, KFC नज़र आ गया, अभी चलते हैं KFC। I want चिकन बर्गर कॉम्बो। पेमेंट देते हुए मैंने इनको इंडोनेशिया का डॉन्ग दे दिया। बिल्कुल सही जगह बैठे हैं, चार्जिंग पॉइंट पास में है, पेप्सी हमारे हाथ में है, हालत हमारी ख़राब है, आपको दिख रही होगी, पसीने आ रहे हैं, काली शर्ट पहन ली ऊपर से मैंने। सो गाइस हमारा खाना आ चुका है। अरे वो देखा है KFC में सर्व करने का तरीका, प्रॉपर इन्होंने मुझे खाने के लिए फॉर्क और ये दिया है, प्लेट में सर्व करा है, ग्लास में कोल्ड ड्रिंक दी है। फर्स्ट टाइम देखा है इतने तरीके से ये सर्व कर रहे हैं। बर्गर किंग, मैकडोनल्ड, KFC, ऑलमोस्ट प्राइस सेम था, ऑलमोस्ट मतलब 200 रुपये का मिलता था। तो गाइज हमने ये बाइक बुक कर ली दोबारा से और हम जा रहे हैं फैशन मार्केट। तो ये हुई है 37,000 डॉन्ग के आसपास। कुछ गिनी चुनी दुकानें खुली थी पर कुछ शॉपिंग कर नहीं पाया, कायदे से मुझे सुबह जाना चाहिए था पर मेरा आधा दिन ख़राब हो चुका था। भाई गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो कुछ दिखा नहीं रहा, बाइक पे चलते हुए हमें दिखा रहा है, इस साइड इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारा है, उधर शॉपिंग का था, यहाँ कोई बंग बुंग बंग करके जगह है, पता नहीं क्या कर रहा है गूगल। मैं पूछ रहा हूँ भैया घूमने की जगह बता, बता ही नहीं रहा। और अभी हम फिर दोबारा वहीं जा रहे हैं, मेरा मन तो कर रहा था यहीं उतर जाऊँ। आएंगे दोबारा से आना पड़ेगा भैया, बाहर निकले हैं पर अब जिस जगह जा रहे हैं वहाँ भी जाना ज़रूरी है, वहाँ चल रहे हैं। वैसे यहाँ तो रिक्शे भी चलते हैं, हमारे पीछे रिक्शे वाला। और खाना खाने के बाद वहाँ से फिर मैं निकला। Can you hold this? Yeah. How much? 17? So guys, अब इस वक्त हम आ गए हैं स्काई डॉन्ग पे, यहाँ पे इसकी टिकट लेनी पड़ेगी, टिकट लेके हमें जाना पड़ेगा ऊपर। तो भी इंडियन मिले हैं यहाँ पे। कहाँ से मेरे भाई? उत्तराखंड। उत्तराखंड? 200,000 for one person. Okay. Go here is the 49th floor to enjoy the city view. Not here. Not here. Here is for helicopter. So guys, हमने टिकट बाय कर ली है, 200 डॉन्ग की है। इस वक्त हम हैं 49th फ्लोर पे इस बिल्डिंग के, इसके साथ इससे एक बेस्ट ऑप्शन है, इसका एक क्लब है और वहाँ पे उसका बियर फ्री है, वो था 2.5 लाख डॉन्ग का। तो उसकी टिकट हमें नहीं मिली क्योंकि जब 2 लाख खर्च लिए तो 50,000 एक्स्ट्रा देने में कोई हर्ज नहीं था। तो प्रॉब्लम यह थी कि वहाँ पे डेस्क खुलता और उस चक्कर में हमें वहाँ की टिकट नहीं मिली। आपको यहाँ से पूरा हो ची मिन्ह सिटी पूरी दिख रही है और इसकी हाइट की अगर बात की जाए तो ये वियतनाम की सबसे ऊंची टावर था जहाँ पे
एक विजिटर यानी एक टूरिस्ट घूमने के लिए जो आता है वो वहाँ पे ऊपर जा सकता है। तो इसकी जो हाइट थी टोटल थी वो 262.5 मीटर थी, यानी अगर फिट में बात की जाए तो ये 861 फीट ऊंचा था, जो कि काफ़ी अच्छी हाइट होती है। तो यहाँ पे मुझे कुछ इंडियंस, क्योंकि इंडियंस वियतनाम में बहुत कम आते हैं, तो मुझे कुछ इंडियंस नज़र आए, तो मैंने उनसे बातचीत भी करी। मेरा रात को आने का मकसद ये था कि एक तो क्लब जा सकेंगे, उसका रात को लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है, पर प्रॉब्लम ये हो गई कि आज फुल था तो हमारी किस्मत ख़राब थी। नाम रविंदर और अपना वीर सिमरत, दोनों उत्तराखंड से हैं, अपने इंडियंस रह गए हैं और ये फर्स्ट टाइम बाहर निकले हैं, और पहले थाईलैंड गए हैं, थाईलैंड से ये कंबोडिया से भाई बस आए हैं यहाँ पे वियतनाम के अंदर। देखिए जरूरी नहीं कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो घबराओ, बहुत सिंपल प्रोसीजर है घूमने का, थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। किस तरह पता चलिए कुछ नहीं है, सब तो पहला यूट्यूब, अजकल तुम पता ही काफ़ी लोग यूट्यूब तो कुछ वीडियो देखने शुरू की थी ट्रैवलिंग दियाँ, तो उस तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली कि अही भी इंडियंस भी कितने बाहर निकल सकते हैं, कोई एक्सपेंसिव नहीं, मोस्टली इंडियन तो जान दी आई सोच रहे हैं और बाहर निकलेंगे। इंडिया घूमना और बाहर घूमना ऑलमोस्ट सेम है जी, वही सेम है, लोग सोचते हैं पता नहीं क्या करते, ऐसे मैं सोचता था, लेकिन जब होमवर्क किया और यूट्यूब कुछ यूट्यूब ब्लॉग देखे तो काफ़ी हेल्प हो गई। फिर मैंने कुछ और सर्च किया और एम्बेसी की साइट पर जाके हर कंट्री की क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वीज़ा से रिलेटेड, और तो इस सब होमवर्क करने के बाद फिर प्लान किया कि चलो हम भी कहीं बाहर निकलते हैं। तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फ्रेश पासपोर्ट वाले के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा इमिग्रेशन के टाइम काफ़ी पूछते हैं। ओके पर इतना कोई हार्ड नहीं है, अगर आप घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, पूछते हैं अगर आप जेन्युइन पर्सन हो, अगर आपके मन में वो नहीं है कि आप, कई लोगों के मन में होता ना भैया कि वहाँ रुकना होता है, तो आपने रुकना नहीं, घूमने जा रहे हो तो टेंशन नहीं लेना। बिल्कुल कहाँ पे आपकी होटल स्टे, उसकी आप बुकिंग दिखाइए, रिटर्न टिकट कहाँ जाना आपको, और आपने घूमना कहाँ कहाँ है, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी जिस कौन सी भी कंट्री आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके बारे पूरी नॉलेज लेके आए। सच बताऊँ तो हमारे इंडिया में अगर आप गोवा घूमने जाना चाह रहे हो, लद्दाख घूमने जाना चाह रहे हो, उनसे सस्ता पड़ेगा फ़ौरन आना। डेफिनेटली आपको बस सर्च करना पड़ेगा किस टाइम पे सस्ती टिकट मिले, मे बी इन्होंने भी यही सर्च करा था, इन्होंने रिटर्न आना था कंबोडिया से, कंबोडिया गए थे, पर इनको वहाँ से टिकट महंगी मिल रही थी, इन्होंने टिकट सर्च करी तो इनको वियतनाम से सस्ती पड़ी। डेस्क अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, इन्होंने लाइटिंग जो अंदर की तरफ कर रखी ना उसकी वजह से रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन की वजह से क्या है कि बाहर पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो मज़ा नहीं आ रहा। इस डेस्क की जो सबसे अच्छी बात थी वो वहाँ का एक क्लब था, किस्मत खराब ही थी क्योंकि हम गए थे संडे वाले दिन, और संडे वाले दिन उस क्लब टोटली पैक था, बेसिकली वो क्लब बहुत मशहूर था, ओपनली टॉप फ्लोर पे वो क्लब था, ओपन क्लब, बहुत ही मज़ेदार था, मैंने सोचा था शूट करके आपको दिखाऊंगा पर वो नहीं हो पाया। बस ये था कि अगर यहाँ अगर आपको घूमने जाना है तो यहाँ आप दिन में जाना, रात में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो अभी हम स्काई टावर वाली बिल्डिंग में गए थे ऊपर, शायद पीछे दिख रही है आपको, 2 लाख डोंग हमने दिया और मज़ा नहीं आया एक्चुअली में, मैंने सोचा था क्लब है ऊपर थोड़ी देर बैठेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। बाकी अभी हम वॉक करते हुए जा रहे हैं, यहाँ पास में एक मार्केट है, हमें मिले थे कुछ इंडियंस लड़के और उन्होंने हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, वो एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे अपने फ्रेश पासपोर्ट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो गए थे बैंकॉक, बैंकॉक से वो गए थे कंबोडिया, कंबोडिया से आए फिर वो वियतनाम, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि इमिग्रेशन में उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई। तो इंडिया वालों ने पहले उनको बहुत तंग करा इमिग्रेशन करते हुए फ्रेश पासपोर्ट से, उन्होंने सोचा कि ये लड़के हैं बैचलर हैं पता नहीं वापसी आएंगे नहीं आएंगे। उसके बाद कंबोडिया वालों ने तंग करा क्योंकि उस टाइम पे वो बता रहे थे कि उस टाइम पे एक बर्मा या पता नहीं उस साइड की एक कंट्री लगती है जिनकी लोग हमारे जैसे दिखते हैं, तो एक ग्रुप पकड़ा होगा, तो उन्होंने सोचा कि ये भी उसी ग्रुप के लोग हैं, तो उन्होंने काफ़ी टॉर्चर करा कि ये यहाँ पे स्टे करने के लिए तो नहीं आए या स्मगलिंग करने के लिए तो नहीं आए, तो काफ़ी टाइम उनका वहाँ भी ख़राब हुआ। तो मैं कहा भी अच्छा है पहुँच गए हो सेफली और सब कुछ ठीक रहा उनका हिसाब था, तो मैं कहा भाई ये एक्सपीरियंस होता है ट्रैवल का, तो उनका एक्सपीरियंस था उन्होंने मेरे साथ शेयर करा, मैं आपको बता रहा हूँ। और वो आए हैं कंबोडिया से बाय बस, तो उन्होंने लिया ई वीज़ा, अगर आप बाय फ्लाइट आते हैं तो आपको चाहिए अप्रूवल लेटर और वीज़ा ऑन अराइवल डेस्क पे आपको पे करना पड़ेगा, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। लड़के थे हॉस्टल्स में स्टे कर रखा था उन्होंने, तो आप एज पर चॉइस है आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो क्या करना चाहते हो,
जैसे मैंने बताया था कोई बड़ा इशू नहीं है ट्रैवल करना, बाहर घूमना। उन्होंने भी हम जैसे लोगों की तरह जो वीडियोस हम यूट्यूब पे बनाते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उन्हीं को देख के उन्होंने ट्रैवल की हिम्मत बनाई और ट्रैवल करने आए, और उनका एक्सपीरियंस ठीक रहा है। उनकी कल की रिटर्न फ्लाइट है, वो वापसी जा रहे हैं। पर आपको एक चीज़ मैं प्रेफर करूंगा कि आप जब भी जाओ तो ट्रैवल करो तो वाई एयर ही करना, क्योंकि उन लोगों ने क्या करा था, कंबोडिया से वियतनाम वाई बस आए थे, उसकी वजह से उनको इमिग्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हुई। तो मेरे हिसाब से आप वाया एयर आओगे तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होता है, इमिग्रेशन वाले इतना परेशान नहीं करते। आप वाया रोड ट्रैवल करोगे तो आपको ज़्यादा परेशान करेंगे, ये मेरा मानना है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे नाइट स्ट्रीट नाइट मार्केट घुमानी थी, इस व्लॉग में नहीं दिखा पाऊँगा। मैं इसको और आगे लंबा करूँगा तो ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और शायद आप लोग इसको नहीं देखोगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँ कि वहाँ की नाइट लाइफ कैसी है, वहाँ के क्लब्स कैसे हैं, और वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट इंडियन फूड का क्या सिस्टम है, इंडियन रेस्टोरेंट है भी कि नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। तो आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग को फॉलो कर लीजिएगा। और मैं इसमें करेंसी की जहाँ तक बात करूँ तो आपको कंपेयर करके बताऊँ तो यहाँ USD है $10, हमें वहाँ के 200,000 डॉन्ग मिलते हैं, पर आज के टाइम लगभग 750 रुपये की वैल्यू है हमारे यहाँ $10 की। एक्चुअली में क्या है कि मुझे आइडिया नहीं था कि वियतनाम में घूमने की छोटी छोटी बहुत सारी मार्केट है लाइक बैंकॉक। तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अपने सर्कल में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है jatin.amholidays मेरी ट्रैवल कंपनी है। अगर आपको ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी बात करनी है आप मेरे से बात कर सकते हो दोस्तों। अगर मैं इन फ्यूचर में ट्रैवल करूँगा इंस्टेंट, अगर आप देखना चाहते हो कि मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ क्या चीज़ें कर रहा हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और अगर एंटरटेनमेंट पसंद करते हो तो आप मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हो जतिन ब्याला के नाम से। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो।